ट्वेल्थ क्लास के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नेक्स्ट है हमारा सीएफटी चल रहा है, और सीएफटी जो है इसके अंदर आज टेट्राहेड्रल फील्ड में देखेंगे स्प्लिटिंग जो है किस प्रकार से होती है। टेट्राहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग देखनी है इसमें, ठीक है, यानी चतुष्फल के क्षेत्र में जो विपाटन होता है डी ऑर्बिटल्स का वो किस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अष्टफल के क्षेत्र में हमने देखा था कि अष्टफल के क्षेत्र में जो विपाटन है वो T2g और EG ऑर्बिटल्स में हो जाता है, ठीक है, डी ऑर्बिटल का। लेकिन अष्टफल के क्षेत्र की जब बात की जाएगी तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर डिजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, संभ्रंशता जो है डी ऑर्बिटल की वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि चतुष्फल के क्षेत्र में कोई भी सममितता नहीं पाई जाती है। यानी कि चतुष्फल के जो स्ट्रांग होता है एक तरह से इस तरह की संरचना होती है एक वर्ग के रूप में, ये तो स्क्वायर प्लैनर हो गया। तो वर्ग समतली में तो क्या है, सममितता है, आप इसको दो समान भागों में बांट सकते हो इस एक्सिस के थ्रू एक्स और इस के थ्रू। लेकिन चतुष्फल की जब ज्योमेट्री की बात की जाती है तो कुछ ऐसी संरचना होती है चतुष्फल की, जैसे मैंने कहा यहाँ पर MA4, ठीक है। तो ये क्या है, चतुष्फल के ज्योमेट्री में इसको किसी भी प्रकार से नहीं बांटा जा सकता, यानी दो समान भागों में नहीं बांट सकते, इसके अंदर कोई भी सममित तत्व उपस्थित नहीं है, सममित तल नहीं है। ये एक संरचना यहाँ पर ऐसे दिख रही है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो ये संरचना इस तरह नहीं होकर ये जो भाग है इसका ये बैक साइड में चला जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कोई भी सममितता प्रेजेंट नहीं होती है, यानी कि सममितता जो है वो नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर संभ्रंशता समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो जी लगाते हैं अष्टफल के क्षेत्र में ये जी नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि चतुष्फल के क्षेत्र के अंदर ये जो T2g ऑर्बिटल हैं ये उच्च ऊर्जा पर चले जाते हैं और EG ऑर्बिटल जो हैं वो निम्न ऊर्जा पर आ जाते हैं। उसका कारण क्या है, चतुष्फल के क्षेत्र जो है यहाँ पर T2g कक्षक जो थे अष्टफल के में ये अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं, क्या करते हैं, अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं, जिसके कारण क्या होता है ये उच्च ऊर्जा पर विस्थापित हो जाते हैं या चले जाते हैं। तो देखो चतुष्फलकीय के अंदर अगर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग का हमें क्या है डायग्राम बनाना है तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये 5d ऑर्बिटल हैं, जो कि समभ्रंश हैं। समभ्रंश का कई बार हमने बताया समान ऊर्जा के कक्षक हैं ये, समभ्रंश का मतलब होता है समान ऊर्जा, ठीक। तो देखो ये जो d ऑर्बिटल हैं इनका अगर हम नाम लिखना चाहें तो हमने वहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसको हम कह देंगे dxy, ये dyz, ये dzx, ये dx² - y² और ये हो जाएगा dz², ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इनकी यदि स्प्लिटिंग करें तो आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पे कि स्प्लिटिंग जो है वो उल्टी होगी अष्टफल के क्षेत्र के। अष्टफल के क्षेत्र में जो विपाटन हुआ था उसका उल्टा डायग्राम बना देना है, यानी अष्टफल के में तो क्या था, नीचे 3 कक्षक थे ये वाले और ऊपर 2 कक्षक थे ये वाले, ठीक है, ये तो नीचे थे या कम ऊर्जा वाले थे और ये क्या थे, ऊपर वाले, ऊपर की तरफ थे। तो जो ऊपर था उसको नीचे ले आओ और नीचे जो था उसको ऊपर ले जाओ चतुष्फल के में। तो देखो जो नीचे थे ये रहे, ये 3 कक्षक नीचे थे तो इन तीनों को हम ऊपर ले जाएंगे उच्च ऊर्जा पर, तो 1, 2 और ये 3,
ये तीन कक्षक हो गए उच्च ऊर्जा पर, और जो ऊपर थे अष्टफलकीय में चतुष्फलकीय में उसको नीचे ले आओ, तो दोनों में अंतर यही है। पहली चीज, जब भी आप विपाटन ऊर्जा के लिए इसका चित्र बनाएं, विपाटन को प्रदर्शित करें, तो डी ऑर्बिटल जो है वो चतुष्फलकीय क्षेत्र में, टेट्राहेड्रल में चतुष्क फलकीय, चतुष्फलकीय क्षेत्र में क्या करना है, जो अष्टफलकीय में चित्र बना हुआ था ये सेम रहेगा, यहाँ पर ऊपर नीचे कर देना है, जो ऊपर थे दो कक्षक वो नीचे आ गए, तो इनका नाम हो जाएगा, ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर, ये दोनों नीचे आ गए जबकि अष्टफलकीय में ये ऊपर थे। तो हमें सीधा ये ध्यान रखना है, एक याद रख लेना है, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, उल्टा कर देना है, ऊपर वाले ये हो गया आपका डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड और ये डी जेड एक्स, ये तीन कक्षक ऊपर वाले, ठीक है, इनके बीच का जो एनर्जी वेरिएशन है इन दोनों कक्षकों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है उसको हम डेल टी से प्रदर्शित करेंगे, किससे करेंगे, डेल टी से, टी का मतलब टेट्राहेड्रल और डेल का मतलब वो विपाटन ऊर्जा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल टी इज इक्वल टू चतुष्क फलकीय विपाटन ऊर्जा, विपाटन ऊर्जा, यानी डेल का मतलब वही विपाटन ऊर्जा और टी का मतलब टेट्राहेड्रल चतुष्क फलकीय, ठीक है, डेल टी, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये बीच में हम एनर्जी लेवल ले लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं आपको एनर्जी बिल्कुल नीचे ऊपर कर देनी है, साइन वही आएगा, अगर इससे नीचे है डॉटेड लाइन से तो माइनस चार्ज और इससे ऊपर है तो प्लस चार्ज, लेकिन ध्यान रखना है कि अष्टफलकीय क्षेत्र में जो ऊर्जा ऊपर थी वो नीचे आ जाएगी, जो नीचे थी वो ऊपर चली जाएगी। तो देखो ऊपर की तरफ क्या था, ऊपर की तरफ हमारा था प्लस का तीन बटे पाँच, लेकिन अब ये नीचे है तो माइनस हो जाएगा प्लस का चिन्ह, तो माइनस का तीन बटे पाँच डेल टी, माइनस तीन बटे पाँच डेल टी, और ऊपर की तरफ क्या है, जो नीचे था वो चला जाएगा, ठीक है, तो ये एनर्जी बढ़ रही है तो यहाँ पर हो जाएगा दो बटे पाँच, लेकिन दो बटे पाँच पहले नीचे माइनस में था तो अब कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा डेल टी, तो ये हो गया इनका ऊर्जा अंतराल प्लस टू बाई फाइव डेल टी, और नीचे की तरफ जो है वो माइनस थ्री बाई फाइव डेल टी, ठीक है। ये दूसरा मैंने आपको बताया था, आप या करके इसकी जगह क्या है, यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, मैंने उस दिन बताया था प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डेल टी, ये भी लिख सकते हो दो बटे पाँच की जगह, और ये तीन बटे पाँच माइनस है, इसकी जगह या करके आप क्या लिख सकते हो, चार आएगा ये प्लस का 0.4, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 0.6 डेल टी। तो दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को लिखा जा सकता है, या तो ये लिख लो या फिर ये दो बटे पाँच और ये, ठीक है। सीएफएसई सूत्र जो होता है विपाटन ऊर्जा के साथ, यानी कि स्थायीकरण ऊर्जा ज्ञात करने का, वहाँ पर ये वैल्यूज काउंट की जाती हैं, ठीक। तो ये आपका क्या है, एक चतुष्फल के क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन है, उसका डायग्राम बन गया, कि अगर आपसे कहा जाए कि चतुष्फल के क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन किस प्रकार होता है, समझाइए या चित्र बनाइए, तो हम कहेंगे कि डी कक्षक जो है वो निम्न प्रकार से विपाटित होता है, दो कक्षक निम्न ऊर्जा पर चले जाते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, तीन कक्षक डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स उच्च ऊर्जा पर चले जाते हैं, ये एनर्जी प्रोफाइल है, यहाँ पे उच्च ऊर्जा पर चले जाते हैं, ठीक है। अब इसका रीजन पूछा जाए ये उच्च ऊर्जा पर क्यों जाते हैं, तो हम यही कहेंगे क्योंकि चतुष्फलकीय जो संरचना होती है या चतुष्फलकीय जो क्षेत्र होता है उसके अंदर डी जो कक्षक है
इसके डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स कक्षक जो हैं तीन अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं लिगेंड के साथ, जबकि यहाँ पर प्रतिकर्षण कम हो जाता है चतुष्फल के क्षेत्र में, इसलिए ये निम्न ऊर्जा पर और ये उच्च ऊर्जा पर। यही क्वेश्चन सेम कंडीशन में पूछा जाए अष्टफल के क्षेत्र में, तो अष्टफल के में ये नीचे होंगे और ये ऊपर होंगे, तो वहाँ कहा जाए कि वहाँ पर ये ऊपर क्यों होते हैं और ये नीचे क्यों होते हैं, तो हम कहेंगे अष्टफल के क्षेत्र में जो लिगेंड है वो क्या है, इन दो को ज़्यादा प्रतिकर्षित करता है और इनको कम करता है। उसका रीजन क्या होता है कि अष्टफल के क्षेत्र में जो लिगेंड है वो क्या है, अक्षों के अनुदिश आता है। क्या आता है? अक्षों के अनुदिश आता है, यानी कि उसकी संरचना कुछ ऐसी होती है। तो जैसे यहां पर ये और ये, तो देखो अगर हम देखें इसके अंदर इस संरचना में अक्ष लगाएं, तो देखो ये आपका वाई अक्ष, ठीक है, ये एक्स अक्ष और ये जेड अक्ष, तीनों अक्ष हो गए एक्स वाई जेड। तो लिगेंड भी कहाँ उपस्थित होते हैं, यहीं पर उपस्थित होते हैं इसकी संरचना में। तो लिगेंड क्या है, अक्षों के अनुदिश आ रहा है, कहाँ आ रहा है, अक्षों के अनुदिश। और जब डी कक्षक की हमने 11th क्लास में संरचना देखते हैं, तो डी कक्षक की संरचना में हम देखते हैं कि ये जो तीनों कक्षक हैं इनके जो पालियां हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या होती हैं, अक्षों के मध्य में होती हैं, और जबकि लिगेंड कहां से आ रहा है, अक्षों से, तो अक्ष पर किसकी होती हैं, इन दो की पालियां। तो अष्टफल के क्षेत्र में क्या होता है कि ये जो कक्षक हैं उच्च ऊर्जा पर होते हैं और ये निम्न ऊर्जा पर, लेकिन चतुष्फल के क्षेत्र की जब बात करते हैं ये, तो यहां पर क्या है, ये देखो ये संरचना होती है। अब यहां पर यदि आप एक्स वाई जेड लगाओगे, क्या करेंगे, एक्स वाई जेड लगाएंगे, तो सपोज हमने ये कहा कि आपका ये हो गया इस तरह से, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो यहाँ पर गौर से देखें, क्या करें गौर से, तो देखो यहाँ पर अक्षों के मध्य लिगेंड कहाँ से आ रहा है, एक्स और वाई के बीच से ये लिगेंड आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स वाई के बीच से और यहाँ पर भी एक्स वाई के बीच से, तो लिगेंड एक्स वाई के बीच से आ रहा है, तो जो बीच में आ गया वो प्रतिकर्षण कम महसूस करेगा। तो प्रतिकर्षण कम महसूस कर रहा है कौन, जो अक्षों के बीच में है, कौन है, अक्षों के बीच में, और जिन अक्षों पर है वो क्या है, ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ये क्या है, निम्न ऊर्जा पर चला जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस चतुष्फल के संरचना में लिगेंड जो है वो अक्षों के मध्य से आ रहा है, जबकि इन दोनों कक्षकों की पालियाँ तो अक्षों के कहाँ पर हैं, अक्षों पर हैं, इन अक्षों से लिगेंड थोड़ी आ रहा है, एक्स वाई और जेड से नहीं आ रहा, और इन दोनों की पालियां अक्षों पर हैं, तो इसलिए ये कम प्रतिकर्षण अनुभव करेंगे, इसलिए निम्न ऊर्जा पर, और जो अक्षों के मध्य में हैं, इन तीनों के अक्षों के मध्य होती हैं, तो लिगेंड भी कहां से आ रहा है, अक्षों के मध्य से आ रहा है, तो अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करेगा। यही कारण होता है कि चतुष्फल के क्षेत्र में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कक्षक कम प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं लिगेंड के साथ, इसलिए निम्न ऊर्जा पर चले जाते हैं, जबकि डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स कक्षक जो हैं ये अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं, क्योंकि इनकी पालियां अक्षों के मध्य हैं और चतुष्फल के संरचना में लिगेंड है वो भी अक्षों के मध्य से आ रहा है, तो आमने सामने जब टकराते हैं तो प्रतिकर्षण अधिक होता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रतिकर्षण अधिक मिलेगा इन तीन ऑर्बिटल्स में, इसलिए ये उच्च ऊर्जा पर विस्थापित हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये जो वैल्यूज हैं ये भी चेंज हो जाती हैं एनर्जी की। तो इस तरह से अगर चतुष्फल के क्षेत्र में आपसे डी कक्षकों का विपाटन कहता है तो आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। कैसे होता है ये सब कुछ, ये मैंने संरचना बना के समझाया कि यहाँ लिगेंड अक्षों के अनुदिश आ रहा है, इसलिए प्रतिकर्षण ऑक्टाहेड्रल में ये नीचे होंगे और ये वाले ऊपर, जबकि चतुष्फल के उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड अक्षों के मध्य से आते हैं, तो जिनमें अक्षों के मध्य पाली हैं वो उच्च ऊर्जा पर चले जाएंगे और जिनकी अक्ष पर हैं वो निम्न ऊर्जा पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसके बाद हम आगे चलते हैं, और चतुष्फलकीय जो क्षेत्र है
उसके अंदर यदि आपसे चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय क्षेत्र में संबंध पूछा जाए, विपाटन ऊर्जा में संबंध पूछा जाए चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय क्षेत्र की, कई बार एक नंबर में पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, देखो अगर आपसे कहे कि डेल ओ यानी अष्टफल की है और डेल टी में संबंध बताइए, इन दोनों में क्या संबंध होता है, तो कई बार एग्जाम में एक नंबर के अंदर पुटअप कर लेता है। तो आपको क्या है, मैं दो तरीके बता रहा हूँ, दोनों से कैसे भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर करूँ डेल टी इज इक्वल टू डेल टी इज इक्वल टू, तो आप यहाँ पर लिखोगे 4/9 डेल ओ, एक तो ये संबंध होता है दोनों के बीच में, एक तो ये संबंध होता है। दूसरा आप ये भी लिख सकते हो, इसकी जगह डेलो को इधर रख लिया, इस 4/9 को इधर लेके आएंगे तो संख्या उलट जाएगी, 9/4 हो जाएगी। तो हम ये भी लिख सकते हैं डेलो इज इक्वल टू 9/4 डेल टी, तो दोनों में से कोई भी संबंध हम दे सकते हैं, दोनों ही सही है। तो ये दोनों जो समीकरण हैं ये चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय क्षेत्र की जो विपाटन ऊर्जा है उसमें संबंध को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर डेल टी आपने इधर लिखा है तो ये 4/9 डेल ओ होगा, और डेल ओ इधर है तो इसको इधर ले जाएंगे तो उल्टी हो जाएगी, डेल ओ इज इक्वल टू 9/4 डेल टी, ये दोनों के बीच में क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद आपसे एक नंबर में ही क्वेश्चन पूछ सकता है विपाटन ऊर्जा के साथ में ही स्थायीकरण ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला, यानी सी एफ एस सी का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। मैं इसकी फुल फॉर्म ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, या आपको शॉर्ट में कह दे सीएफएसई, ज्ञात करने का सूत्र लिखिए चतुष्फलकीय क्षेत्र में, किसमें, चतुष्फलकीय में। ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, चतुष्फलकीय भी कह सकता है और अष्टफलकीय भी कह सकता है। तो देखो यहां पर यदि मैं पहले अष्टफलकीय का लिख रहा हूं, सीएफएसई अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए, अष्टफलकीय क्षेत्र यानी अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए अगर आपसे सीएफएसई ज्ञात करवाता है तो आपको कैसे ज्ञात करनी है। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, सीएफएसई इज इक्वल टू क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा इज इक्वल टू, देखो अष्टफलकीय में आपको ध्यान रखना है, अष्टफलकीय में तीन कक्षक नीचे होते हैं और दो कक्षक ऊपर, ये T2G होते हैं और ये EG होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बीच में से हमने दो ऊर्जा लिखी थी, ठीक है, इसको तो हमने लिखा था -0.4 और इसको लिखा था +0.6, ये ध्यान रहनी चाहिए सूत्र के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा -0.4 NT2G +0.6 NEG और लास्ट में हम यहाँ लगाएंगे डेल ओ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा होगा अष्टफलकीय क्षेत्र में विपाटन स्थायीकरण ऊर्जा ज्ञात करने का, और यहाँ पर स्मॉल एन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। जीरो पॉइंट फोर ये नीचे वाली वैल्यू ली है माइनस में, एन टी टू जी कक्षक नीचे है, एन लगाया है इलेक्ट्रॉनों के लिए, जैसे यहाँ पर आपको अगर ऐसे दो इलेक्ट्रॉन है तो आप एन की जगह दो लगाओगे सूत्र में,
क्या लगाएंगे, दो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर चतुष्फलकीय क्षेत्र में हमको ये सूत्र चाहिए, चतुष्फलकीय क्षेत्र हेतु, तो चतुष्फलकीय क्षेत्र के लिए जो सी एफ एस सी है उसका सूत्र क्या होगा, ध्यान करो, चतुष्फलकीय क्षेत्र में दो कक्षक नीचे होते हैं और तीन कक्षक जो हैं ऊपर होते हैं, तो ये तो ई हो जाता है और ये हो जाता है टी टू, वहाँ पे हमने मिस कर दिया था, लेकिन ध्यान रखना है नीचे ई जी की जगह ई आएगा चतुष्फलकीय में और ऊपर टी टू जी की जगह टी टू आएगा, वहाँ पर नहीं लगाया है हमने, ये ई लिखेंगे केवल, जो ई जी लिखा था वहाँ पर ई आएगा और टी टू जो है ऊपर आएगा, तीन कक्षकों के साइड में टी टू और नीचे दो कक्षकों के ई। अब देखो यहाँ पर भी हमने दो ऊर्जा अंतराल लिखे हैं, तो यहाँ नीचे क्या था, यहाँ पर नीचे माइनस 0.6 था और ऊपर क्या था, प्लस में 0.4, तो पहले नीचे लिखना है फिर ऊपर, नीचे के साथ एन के साथ ये लगाना है, तो देखो सूत्र क्या होगा, 0. ये जो वैल्यू है नेगेटिव में होगी, माइनस 0.6 एन ई, क्योंकि नीचे ई है, जी नहीं लगाएंगे गलती से भी, प्लस 0.4 एन टी टू और यहाँ पर लास्ट में डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हमारा चतुष्फलकीय क्षेत्र के लिए स्थायीकरण ऊर्जा ज्ञात करने का हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी एन इज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस में देखनी है, जिसके साथ जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 0.6 एन के साथ ई लिखा है तो ई में देखेंगे इन दोनों में कितने हैं कुल, अगर यहाँ टी टू लिखा है तो इस एन की संख्या टी टू में ऊपर की तरफ ये देखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों सूत्र आपसे एक नंबर में कभी पूछ सकता है, कोई भी आपसे कह दे अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए स्थायीकरण ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र या सी एफ एस सी ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो आपको डेल ओ तक लिखना है, इसकी यहाँ पर ये भी बताना है अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए, और अगर चतुष्फलकीय में पूछता है तो फिर आपको डेल टी के रूप में ये बताना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय क्षेत्र में स्थायीकरण ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र आना चाहिए। एक एक एग्जाम्पल मैं दोनों के अंदर बता देता हूँ करवा के, देखो आपको ऐसे दे सकता है, नॉर्मली एग्जाम के अंदर क्या है, आपको दिया नहीं है निकालने का तो आपसे सूत्र ही पूछेगा मैक्सिमम, या तो अष्टफलकीय के लिए या चतुष्फलकीय के लिए, ठीक है। फिर भी मैं एक विन्यास ले लेता हूँ जिसके लिए दोनों निकाल लेंगे, तो सपोज आप, मैं कह रहा हूँ D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसके लिए आपको सी एफ एस सी ज्ञात करना है और सी एफ एस सी दोनों में ज्ञात करना है, अष्टफलकीय में भी और चतुष्फलकीय में। तो देखो अष्टफलकीय में जब बात करते हैं ऊपर वाले सूत्र के अंदर, तो हम लिखेंगे माइनस 0.4, तो पहले आप क्या करोगे, सी एफ एस सी ज्ञात करना है और आपसे कह रहा है कि D5 कन्फिग्रेशन में ज्ञात करना है, और आपसे यहीं पर जोड़ दे कि प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रबल लिगेंड। तो देखो यहाँ पर स्थिति क्या होगी, अष्टफलकीय में तीन नीचे होते हैं और दो कक्षक ऊपर, तो पांच भरने हैं, 1, 2, 3। अब ये कह रहा है प्रबल लिगेंड, तो प्रबल का मतलब युग्मन हो जाएगा, 4 और ये 5, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर माइनस 0.4 इंटू एन टी टू जी, टी टू जी में कितने हैं, 2, 4 और 1, 5, प्लस 0.6 इंटू एन ई जी, ई जी में 0 इलेक्ट्रॉन है, ये राशि 0 हो जाएगी, क्या बचेगा यहाँ पर अपना आ जाएगा माइनस टू पॉइंट जीरो डेलो लगा देंगे, तो ये हो गई हमारी D5। अगर इसी को वो चतुष्फलकीय में कहता है तो देखो कुछ नहीं करना है, चतुष्फलकीय में दो कक्षक नीचे होते हैं और तीन कक्षक ऊपर होते हैं। अब यहाँ पर आपको सूत्र लगाना है सी एफ एस सी का, तो देखो क्या है सूत्र में, 0.6 इंटू एन का मतलब एन ई, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन भरो, 1, 2, अगर ये प्रबल लिगेंड कहता है तो 3 और ये
चार, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 0.6 ई में कितने हैं, चार इलेक्ट्रॉन, फोर प्लस 0.6 सॉरी फोर आएगा। सूत्र ज़रूर याद होना चाहिए, एन टी टू, टी टू में कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, वन। क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2.4 प्लस का 0.4, एक से गुणा होगा तो सेम रह जाएगा, तो 0.4 निकाल देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.0 डेल्टी, ठीक है, 2.4 हो जाएगा, 0.4 यहाँ पर है तो वैल्यू आ जाएगी 2.0। लेकिन ये आपके क्या है, कोर्स में नहीं है, तो इसलिए शायद यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप नहीं होगा, क्वेश्चन पुटअप यहीं से होगा। अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपसे सूत्र याद रख लेना है, सूत्र क्या होगा, अष्टफलकीय के लिए सी एफ एस सी का ये होगा और चतुष्फलकीय के लिए ये होगा, ठीक है।